यार इसका राज तो कुछ भी नहीं है, इसका राज बस इतना है कि जब मैं सिर्फ डायरेक्ट करता था तो नेचुरली आप नहीं परवाह करते। मंटो के बाद एक लंबा गैप था और फिर 40 के हो जाते हैं आप और फिर आपको एकदम समझ आती है कि नहीं यार सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। और अब हाँ अब तो मैं तो अब वो इट्स ऑनेस्टली हाउ टू फील गुड अबाउट वन्स ओन बॉडी। सो इफ इट्स अबाउट द वेट लॉस दैट्स व्हाई इट इज़ देयर एंड इट इज़ विद प्रॉपर। वही मैंने कभी डोले शोले और जिम शिम नहीं किया था। मैंने कहा चलो यार करके देख ले तो सुना। आई वर्कआउट एंड ईट क्लीन एंड आई जस्ट लाइक टू बी या जस्ट डूइंग थिंग्स दैट आई हैव नॉट डन इन माई लाइफ अर्लियर। या अदनान के साथ एक तो दोस्ती काफ़ी पुरानी है अब, मतलब काम के थ्रू ही हमारी पहली मुलाकात मुझे याद है AIY फिल्म अवार्ड्स पे हुई थी जब मंटो और शाह दोनों नॉमिनेटेड थी इन इंडिपेंडेंट फिल्म कैटेगरी या कुछ, और बोथ ऑफ अस वर आल्सो नॉमिनेटेड एज बेस्ट एक्टर्स। तो वो वहाँ से दोस्ती मुलाकात हमारी जो शुरू हुई। उसके बाद अदनान के साथ मैंने, ये मेरा तीसरा या चौथा प्रोजेक्ट है। आई वॉज इन मोटरसाइकिल गर्ल ऑल्सो स्मॉल रोल जो उसमें मैंने किया था। आई वॉज इन 12वां खिलाड़ी और अब ये हमारा टेक्निकली। और मैंने भी अदनान को एज अ डायरेक्टर एक्टर ही वर्क फॉर मी इन अ सीट्स। ही इज अ क्रेजी गाय ऑफ कोर्स बट द बेस्ट काइंड ऑफ क्रेजी बिकॉज वो जितने जुनून से काम करता है और जो वाकई एक होता है ना कभी ये सोच के काम करना है कि मुझे कुछ बखरा करना है, वो नहीं ड्राइव ये है कि बस मुझे वो करना है जो मुझे अच्छा लग रहा है और जो मुझे समझ आ रहा है। सो ही थिंक्स डिफरेंटली। इट्स नॉट कि आप थोप रहे हैं फ़र्क सोचना खुद पे। सो ही थिंक्स डिफरेंटली एंड देन आई एम सो हैप्पी फॉर हिम एज अ फ्रेंड एंड एज अ कॉलीग दैट ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ फिर बन जाएँ जहाँ पर आप अपने स्टाइल में कहानी सुना सकें। सो आई रियली इन्जॉय वर्किंग विद हिम एज एन एक्टर। एंड मलिक वाले रोल के लिए जो उसने मुझे बोला तो मेरी भी पहली इंस्टिंक्ट तो हंसी थी। मैंने कहा ना एक मैंने कहीं अभी कोई रिव्यूज़ आई थिंक किसका रिव्यू था आई थिंक आमना कर रही थी, वो आमना और हसन का था शायद। उसमें आई थिंक हसन सेड के मेरे दिमाग में अगर 10 नाम आए तो उन्हें 10 में भी सरमत का नाम नहीं आएगा क्योंकि ये रोल मतलब हम एसोसिएट नहीं करते। बट आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि हम टाइपकास्ट में आसानी ढूंढते हैं। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मैं बिल्कुल ही मतलब उसको बुरा सा भी कर देता लेकिन शायद बहुत अच्छा नहीं किया लेकिन जब मुनासिब सा हो गया। बट पुशिंग एन एक्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप भी अपने उसी कम्फर्ट जोन में फिर फंस के आप लेज़ी हो जाते हैं। सो आई थिंक अदनान लाइक्स टू पुश मी इन अ वेरी यू नो नॉट सच अ कम्फर्टेबल जोन एंड आई लाइक द फैक्ट दैट ही डज दैट एंड देन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू क्रिएट something together with somebody as talented as Adnan. No, I think because ek dekhen har kahani apna bahut sa khud ka zuban duration sab lekar aati hai, uska visual style kya hoga, uska likhne ka andaaz kaisa hoga. Ab it's a mystery, it's almost like a, it's not even I would say ki thriller bhi nahi hai kyunki har waqt kuch nahi ho raha ki matlab thrill bhi nahi create ho raha. There is a mystery, there is like a dark drama to it also, it's very psychological. To is tarah ki cheez ko aap bahut lamba kheench nahi sakte aur bahut maazrat ke sath mujhe lagta hai ki jo bahut kiston wale hamare drama hain unko agar aap waqai kabhi dekhen including jo maine bhi banaye honge कि कहानी बीच में वाकई उतनी किस्तों जितनी नहीं होती, हम स्ट्रेच करते हैं उसको। वो तो चले एक मिजाज बन गया कि हमें लगता है कि अच्छा अब हम इस ड्रामे को देखेंगे ऐसे कि जैसे हम रोज़मर्रा की कोई चीज़ देख रहे हैं तो 2-3 सीन्स में कुछ होगा फिर उसके बाद 5-6 सीन्स ऐसे हैं जिसमें कुछ नहीं भी हो रहा तो हम बस उन किरदारों के साथ घूम फिर रहे हैं। इस जॉनरा में वो नहीं हो सकता। मिस्ट्री को तो आप बिल्कुल भी और सस्पेंस को आप अगर टाइट नहीं रखेंगे। सो मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि 6 किस्तें हैं टिका के टाइटली एडिट हुआ हुआ है कागज़ पे। एक सर्टन नंबर ऑफ डेज में इसको ख़त्म करेंगे हम, सबका फोकस एनर्जी अटेंशन वो रहा। तो मुझे तो मेरा ख्याल है इसकी विनिंग चीज़ ही ये है कि ये लंबी लस्सी नहीं है बनाई गई, वो जितना दही था ये उतना अच्छा जमा हुआ दही आपके पास मौजूद है। देखिए कास्ट जो होती है या कास्टिंग किसी भी ड्रामे या फिल्म की वो एक बड़ा उसका डिफाइनिंग किस्म का एलिमेंट होता है। You don't get it right and the whole thing starts falling apart, you know. I think the casting भी बहुत carefully और बड़े मज़े से हुई हुई थी। और वही बात किसी से दोस्ती है, किसी के साथ ज़्यादा काम किया है नहीं किया, ये सब factors को थोड़ी देर के बाद बिल्कुल पीछे हटाना पड़ता है
राइट अब दोस्ती की बात, ऑफ कोर्स मेरी जुगन से बहुत पुरानी दोस्ती है, सबा से बहुत दोस्ती है, राबिया के साथ मैंने पहले मुलाकात की लेकिन काम नहीं किया था, पर तीनों अपनी अपनी जगहों पे उनके साथ इंटरेक्शन एज अ कैरेक्टर भी डिफरेंट थी, ऑन सेट भी हमारा अपना एक एक अलग अलग अंदाज है, पर्सनैलिटीज़ हैं, बट एवरीबडी वॉज वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग वन प्ले, द सेम प्ले जो आपको नज़र आ रहा है. सो आई थिंक वो सबके प्रोसेस के लिए उनको जगह मिलना और सबको मिल के मज़ा आना, वो हमें बहुत आया था. मतलब मुझे बहुत से सीन्स ऐसे थे जो सभा के साथ विच वेरी इंटेंस, तो वो सीन्स जब होते थे तो ऑफकोर्स यू नो इट वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी जो पूरे दिन में आपको चाहिए होती थी. बट विद राबिया इट वॉज ऑलवेज लाइक बस अब मैं घूर रहा हूँ, वो भी घूर रही है, यू नो, और हम एक दूसरे को, यू नो, पावर प्ले दोनों का चल रहा है. जो